हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय ने कल लेट नाइट एक नोटिस जारी किया था राजस्थान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज के लिए कि आप ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दें अपने कॉलेज के अंदर, अपने विश्वविद्यालय के अंदर 1 मई से 30 जून के मध्य में। अब राजस्थान विश्वविद्यालय का अभी ऑफिशियली नोटिस आउट हो चुका है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हों, चाहे वो पीजी कोर्सेज के हों, जितना भी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबकी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया गया है। यहाँ पर एक स्टाफ को कंप्लीट रूप से आना है। तो कौन कौन से विभाग के स्टाफ को आना होगा? पीजी डिपार्टमेंट में जो पढ़ाते हैं, जैसे कोई पीजी केमिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का है, हिस्ट्री का है, जो पीजी कोर्सेज के डिपार्टमेंट हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उनको अपने विभाग में आना होगा। वो विभाग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो विभाग तभी छोड़ सकते हैं जब कोई कठिन परिस्थितियां हों, कोई समस्या हो उनके सामने। वो भी सूचित करना होगा पहले राजस्थान विश्वविद्यालय को, फिर वो अपना विभाग छोड़ सकते हैं। तो पीजी वाले आएंगे, और जो पीजी का सिलेबस रह रहा है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस रह रहा है, तो वो अपने स्तर पर जो पीजी को पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर हैं, जो पीजी क्लासेस को पढ़ाते हैं, एमएससी वालों को, एमए वाले को जो पढ़ाते हैं, वो अपने स्तर पर ऑनलाइन उनका जो है सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो जिनका सिलेबस बाकी है उनको ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट कराना होगा। तो फाइनली राजस्थान विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया, और राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो बीएड वाले स्टूडेंट हो, यूजी कोर्सेज के हो, पीजी कोर्सेज के हो, आप सभी की कॉलेज 1 मई से 30 जून तक बंद रहेंगी। आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम की। क्या इस ग्रीष्मकालीन अवकाश से आपके एग्जाम प्रभावित होंगे? तो उसमें वैसे तो लिखा हुआ था कि अगर एग्जाम करा सकते हैं तो आप स्टाफ को बुला लेना। उन्होंने बोला था राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय ने कि अगर कॉलेज एग्जाम कराती है तो अपने स्टाफ को बुला सकती है। बट ये जो परिस्थितियाँ हैं कोविड-19 के चलते ही आपको 2 महीने का अवकाश दिया गया है। जो आपकी छुट्टियाँ चल रही थी वो ग्रीष्म अवकाश में बदल दी कोविड-19 के चलते। सिर्फ जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, निरंतर केस आ रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही है परिस्थितियां, और आपके शिक्षण संस्थान 3 मई तक बंद थे, इसीलिए इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया। 30 जून तक आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया है। तो यहां पर राजस्थान प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सबका नोटिस आएगा, जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय का है। अब काफी बच्चे कमेंट करेंगे, सर मैं तो महर्षि दयानंद से हूं, मैं तो कोटा से हूं, मैं तो मत्स्य हूं, मैं तो सेकावाटी से हूं। सबका नोटिस बारी बारी से आ जाएगा, आप अपनी कॉलेज की या विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लेना, जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय का आ चुका है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एग्जाम की बात चल रही थी, एग्जाम कब तक हो सकती है। तो जो भी किया है, देखो जो भी राजस्थान विश्वविद्यालय ने किया है, जो भी राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय ने जो नोटिस जारी किया है, वो सभी स्टूडेंट्स के हित में किया है। क्योंकि कोविड के बीच में तो आपकी एग्जाम हो नहीं सकती, करा नहीं सकते आपकी एग्जाम कंडक्ट। तो जैसे ही कोविड कंट्रोल में आएगा, जैसे ही केस की संख्या कम आएगी, जो केस आ रहे हैं निरंतर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, उनकी संख्या कम होगी, तभी आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। तब तक आप क्या करें, ये 2 महीने का जो समय आपको मिला है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसको व्यर्थ ना करें, इसका उपयोग कर सकते हैं समय का जो आपको 2 महीने हैं। जो भी आप करना चाहते हैं भाई, जो आप सोच रहे थे कि मैं फाइनल ईयर के बाद ये करूंगा, बीएससी फाइनल ईयर के बाद में, बीए फाइनल ईयर के बाद में, वो अभी से करना स्टार्ट कर दो भाई, ये समय मिल गया ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन करना ही हमारा दायित्व है या हमारा टारगेट सिर्फ बीए करना, बीएससी करना ही है, उससे आगे जाके हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या जो भी आप करियर क्षेत्र में करना चाहते हो, बिजनेस के अंदर जो भी करना चाहते हो, या गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। अभी भी ऐसे नहीं कि भाई ऑफलाइन शिक्षण संस्थान बंद हो गए तो आप तैयारी नहीं कर सकते। काफी ज्यादा जो है ऑनलाइन शिक्षण संस्थान है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो काफी बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अभी से ही आपने टारगेट बना रखे होंगे कि यार मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। काफी बच्चे ग्रेजुएशन में एंट्रेंस की तैयारी करते हैं यार, पीजी करते हैं ज्यादातर बच्चे, या पीजी भी नहीं करते तो वो फिर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं। तो जो भी आपका सपना है, अभी से सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दो। देखो मैन, ये जो समय मिला है ना 2 महीने, अगर आप सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हो, आप जैसे आप कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, अब मैं खुद केमिस्ट्री का हूं, तो आप बोलोगे सर बार बार केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हो, तो मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे पाऊंगा कि मैं केमिस्ट्री से बीएससी कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूं, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूं, जिससे मैं एमएससी एंट्रेंस को क्लियर कर पाऊं। राजस्थान विश्वविद्यालय का होता है, आईआईटी जैम होता है, बीएचयू का होता है, डीयू का होता है, बहुत
बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस होता है, आप दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो अभी से आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। इसके अलावा काफी बच्चे होंगे जो और भी सेक्टर में जाएंगे, टीचिंग लाइन में जाओगे तो आपको बीएड करना होगा, पीटीटी देना होगा, और भी क्षेत्र हैं गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो आप जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ऐसी सब्जेक्ट आपको पढ़नी होगी, जनरल अवेयरेंस है, तो अभी से आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, तब जाके आप कुछ अलग कर पाओगे, तब जाके आप जो भी आपने सोचा है कि यार मुझे इस सेक्टर में अच्छा करना है, तभी आप कर पाओगे। तो आप अपनी जो है एबिलिटी या जो भी मतलब नॉलेज है उसको बढ़ाओ, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, और ये समय खराब नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि यार आपको कुछ समय मिला है तो उसका सदुपयोग करो, बिल्कुल सदुपयोग करो, और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया आप उसी का इंतजार कर रहे हो कि यार पहले तो कॉलेज की एग्जाम हो जाए उसके बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, कॉलेज की एग्जाम तो हो ही जाएंगी, और रही बात कॉलेज की एग्जाम की तैयारी की तो आप कर ही लोगे, वो तो समय आपको दे ही दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि दो दिन पहले आपको बताएंगे दो दिन बाद आपकी एग्जाम है, करीब 15-20 दिन पहले आपका टाइम टेबल जारी होगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा, यार कोविड की जो परिस्थितियां हैं इनको देखते हुए खुद पता लग जाएगा कि कब तक आपकी एग्जाम हो सकती है। तो पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना है, घर रहना है, और खुद का ध्यान भी रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और रेगुलर आपकी पढ़ाई करनी है। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, आप आगे जाके क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है एग्जाम के रिगार्डिंग, किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां पर डीएम कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।